गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो रिवीजन सीरीज के थर्ड वीडियो लेक्चर में फिर से हम आपके पास हाजिर हो चुके हैं। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था जिसमें हम लोग वेक्टर के बारे में स्टडी किए थे, कुछ न्यूमेरिकल देखा था, आज उसमें थोड़ा और न्यूमेरिकल ऐड करते हैं और वेक्टर के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है हमारा, जिसमें ए का मेजर 2 दिया हुआ है, बी का मेजर 3 दिया हुआ है, ए डॉट बी 0 है और आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल को। सबसे पहला कंडीशन जो दिया है हमारा कि a डॉट b 0 है। अगर a डॉट b 0 है इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि a परपेंडिकुलर हो गया b पे। a परपेंडिकुलर किस पे हो गया? b पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि a है और इधर ये b परपेंडिकुलर है इस पे अंदर की ओर, ठीक है। अब मान लो a क्रॉस b तुम निकालोगे तो a क्रॉस b आएगा क्या? तो a क्रॉस b जो तुम्हारा आएगा, a क्रॉस b वो आएगा तुम्हारा ए बी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है तो ए क्रॉस बी तो ए बी ही आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन इन दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब जरा देखो इसका डायरेक्शन कैसे आएगा। तो ए से बी की तरफ कर्ल करते, ए से बी की तरफ कर्ल करते हैं तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर। तो जैसे ये जो था हमारा अंदर की ओर, ये अंदर की ओर जा रहा था तो इस पर परपेंडिकुलर कौन होगा? वर्टिकल प्लेन में एन कैप। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी का? यानी ये हो जाएगा ए क्रॉस इंटू ए बी इंटू एन कैप। क्लियर? अब ये रिजल्ट आ गया हमारा। फिर अब किसके किसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया? ए और एन कैप के बीच का। तो ए और एन कैप के बीच का फिर निकालते हैं तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर मेजर बन ही रहेगा और ए का मेजर ए ले लेंगे, क्या दिक्कत है? तो हो जाएगा यहां कितना, इसको पूरी तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा? तो ए से एन की तरफ कर्ल करते तो डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, यानी बी के अपोजिट माइनस बी कैप इसका यूनिट वेक्टर बनेगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा? ए क्रॉस ए स्क्वायर बी ऑफ माइनस बी के बी कैप, ये इसका क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। अब मल्टीप्लाई करना है ए का इसके साथ, ये तो फिर से ऑब्वियस हो गया बाबू कि ये रिजल्ट ए क्यू बी आना ही चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे के बीच क्या आएगा? 90 डिग्री ही है। तो माइनस बी के क्या, अब क्या करेंगे? ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ए को माइनस बी से, ए इधर है ना, और बी माइनस में बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ थम किधर आ रहा है? नीचे की ओर। यानी इसका रिजल्ट आएगा वो होगा किधर? माइनस ऑफ एन कैप की तरफ, यानी ये रिजल्ट होगा माइनस एन कैप, ठीक है। अब इस पूरे का रिजल्ट तो आएगा ए फोर बी, लेकिन किस तरफ? डायरेक्शन तो पता होना चाहिए, तो डायरेक्शन। तो अब देखते हैं ए और एन कैप, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है? एन कैप से, माइनस वाला, यानी ये एक है माइनस, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो किधर जा रहा है? हम अंदर की तरफ, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा बी की तरफ का यूनिट वेक्टर, यानी बी कैप। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए फोर, यानी 2 का होल 4, बी का मैट्रिक्स यानी 3 इंटू बी कैप, यानी ये हो जाएगा 48 बी कैप आंसर। क्लियर? फिर वैसे ही हमारा एक क्वेश्चन और, यहां पर ए बी और सी दिया हुआ है, कह रहा है को प्लेनर। तो याद रखिएगा कंडीशन, याद रखिएगा तीन वेक्टर्स तभी कोप्लेनर होते हैं जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो, यानी a डॉट b क्रॉस c 0 हो। जरूरी नहीं है a डॉट b क्रॉस c, आप a क्रॉस b डॉट c भी ले सकते हो, ठीक है, a क्रॉस c डॉट b भी ले सकते हो, कोई 2 का क्रॉसवर्ड तीसरे के डॉट प्रोडक्ट से 0 होना। करना क्या है? अगर इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो सबसे इजी मेथड है कि इन तीनों के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट 0 कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, मतलब जो कैलकुलेटर के आएगा 2 माइनस 1 1, इसका कितना हो जाएगा? 1 1 माइनस 3 3 लेमडा और 5, इसको 0 कर लो, 0 कर सकते हैं इसको, तो आराम से इसको 0 कर सकते हैं हम लोग। कैसे? तो देखो इसको 0 करते हैं, तो ट्वाइस
अब इसमें कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो 5 माइनस 5 प्लस 3 लैम्डा, क्योंकि माइनस तो होता है लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पढ़े ना लोग, ये बीच में इस तरफ का इधर का प्रोडक्ट आप प्लस लेते थे और इधर माइनस लेते थे ना, फिर इसको हम लोग माइनस में लिखते थे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। अब इसमें कितना हो जाएगा 5 माइनस 9, तो माइनस 9 तो फिर प्लस 9, फिर प्लस 1 लेते हैं और इसके कितना हो जाएगा लेमडा माइनस 3 इक्वल्स 0। इक्वेट कर लो, ये कितना हो गया 7 लेमडा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10, 10 और ये कितना हो जाएगा 14, 10 और 14 24, और 24 में से 3 लिया कितना 21 इक्वल्स 0। तो यहां से 7 लेमडा इक्वल्स 21, 7 लेमडा इक्वल्स माइनस 21, तो लेमडा कितना आ जाएगा आपका माइनस 3, ठीक है, 10 और ये 14 24, 24 में से 3 गया 21, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 3 यूनिट वेक्टर है ए बी सी जो भी हो, ठीक है, और हमको ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ और ये फाइंड कर रहा है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और आपके पास इसका मैग्नीट्यूड ही क्यों ना हो, ऐसा भी क्वेश्चन दिया था इसमें ए प्लस बी जीरो, ए इतना, बी इतना, सी इतना, मान लो कुछ भी, और आपको ये फाइंड आउट करने का है। आप सिंपल इतना याद रखना कि ए डॉट बी डॉट सी का जो यहां पर ये सम जो आता है तीनों के डॉट पर का, वो हमेशा माइनस 1/2 ऑफ ए का मॉड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का होता है सम, माइनस में हाफ में। अब यहां पर तीनों का मैग्नीट्यूड कितना 1 है, क्योंकि तीनों कौन से वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो माइनस हाफ इंटू 3 हो जाएगा, तो ये माइनस 3/2। अब मान लो ऐसा कुछ भी रहता, मान लो यही क्वेश्चन रहता, तो फिर कितना हो जाता 9, 25 और ये 7, कितना हो जाता मेरा 25 और 7 और 9 को ऐड कर लीजिए, 7 है 49, वो 9, 25 और 49 तीनों को ऐड कर लीजिए, जो रिजल्ट आता वही आपका आंसर हो जाता। अब इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहां कर दिया, बदल दिया। इस बार आपको एंगल निकालना है ए और बी का, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर ए और बी का एंगल रहेगा तो सी को हटा दो, अगर बी और सी का एंगल रहेगा तो ए को हटा दो और सी और ए का एंगल रहेगा तो बी को, जैसे भी जो दो का एंगल रखना है, जिसके दो के बीच में एंगल निकालना है उसको साथ में रखेंगे, तीसरे वाले को हटा देना है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ए प्लस बी का इक्वल्स माइनस सी, ठीक है, और अब स्क्वायर कर लो, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर लो ए प्लस बी से दोनों तरफ, तो ए प्लस बी का वैल्यू तो सी माइनस में है, इधर माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, बात देखिए ए प्लस बी से अगर हम यहां मल्टीप्लाई करते भी तो ए प्लस बी का वैल्यू फिलहाल में माइनस सी रखते ना, तो बस समझो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल सी का स्क्वायर। तो अब यहां से निकालना है हमको एंगल, तो कितना जाएगा ये 2ab cos थीटा इक्वल्स क्या जाएगा सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस बी का स्क्वायर, सब उधर जाके माइनस होगा, तो बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा आपका कितना 40, 25, 15 हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 3 × 5 cos थीटा इक्वल्स हो जाएगा 15, तो ये 15 हो गया, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया हाफ, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। नोट करिए इसको जल्दी से, तो चलिए अब हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो सबसे पहले जब भी किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर कहेगा यूनिट, यूनिट वेक्टर का आपको मालूम था, इसके पहले भी बताया हमने क्रॉस वर्ड पे कि यूनिट वेक्टर जब भी निकालने कहे किसी दो वेक्टर पे, तो वहां हम बताए थे कि ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको निकाल लेना, एन कैप जो था हमारा, तो यहां तो पहला दो वेक्टर है नहीं, तो पहले जब भी कोई प्लेन कहे तो वहां पहले दो वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर, और उन दोनों पर परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकाल लेंगे जो हम फॉर्मूला पढ़े उससे, तो पता चल जाएगा कि इस प्लेन पर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है पहले उसको नोट कर लो, मान लो ए एक्स वन वाई वन जेड वन है और बी एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो ए बी वेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला था
वो होता था OB माइनस OA, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, जिसका फॉर्मूला था हमारा X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप, प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। मतलब कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किसे कर लेंगे हम लोग, I और J वो K से, मतलब X डायरेक्शन में I हो जाएगा, Y डायरेक्शन में J हो जाएगा, और Z डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास तीन पॉइंट है P, Q, R। तो हम पहले P से PQ वेक्टर बना लेते हैं। PQ वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, तो दो में से एक गया एक, I हो गया, जीरो से माइनस एक जाएगा तो प्लस I हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा तो प्लस J, और माइनस वन से माइनस टू जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस थ्री के हो गया। फिर वैसे ही हम लोग इस आर को, तो पी आर को निकाल लेते हैं, तो क्या हुआ, आर से पी घटाएंगे तो माइनस आई, जीरो से वन सब्ट्रैक्ट हो गया, दो से माइनस एक सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, और वन से वन, वन से टू जाएगा तो माइनस वन होगा, दैट इज के कैप। तो हमारे पास दो वेक्टर मिल गया है, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, पी क्यू क्रॉस पी आर निकालेंगे। तो पी क्यू क्रॉस पी आर क्या हो जाएगा, आई जे के वन वन माइनस थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन, ठीक है, क्रॉस पर निकालेगा, जस्ट तरीका भी हम लोग सॉल्व किए थे, कैसे आएगा, तो आई ले लेते हैं तो हो गया माइनस वन प्लस नाइन माइनस जे माइनस वन प्लस थ्री, माइनस जीरो सॉरी माइनस थ्री, ठीक है, प्लस के तो कितना हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा आपका प्लस वन, तो रिजल्ट हो गया आपका कितना, एट आई माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस फोर जे और प्लस फोर के, इन इसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड दे दीजिए, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर कितना आ गया हमारा, तो यूनिट वेक्टर आ गया हमारा एट एट आई प्लस फोर जे प्लस फोर के डिवाइडेड बाई कितना, तो हो गया 64 128। तो ये हो जाएगा एट रूट टू, करके देख लीजिए, एट रूट टू ही आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, टू आई प्लस फोर से कॉमन लेकर हटा देते हैं, तो टू आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई टू रूट टू, ठीक है। फिर वैसे ही हमारा एक क्वेश्चन इधर है, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी निकाला, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको समझा दे रहे हैं, ए डॉट बी ए क्रॉस बी निकालना है, ए आपका दिया हुआ है, बी नहीं दिया है, बी कह रहा है सी के अलोंग है लेकिन मैग्नीट्यूड थ्री है, याद होगा कल हम ऐसा बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है जो किसी एक के अलोंग हो, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, तो करना क्या है, इसका यूनिट वेक्टर लाके इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो थ्री इंटू ये सी कैप होगा, और सी कैप को अगर थोड़ा सा भी सॉल्व करने का सोचोगे तो ये आई जे प्लस के डिवाइड बाई रूट थ्री होगा। तो हमको B मिल गया, अब B मिल गया और A हमारे पास मालूम है, क्या A डॉट B A क्रॉस B नहीं निकल जाएगा, A डॉट B मतलब सिंपल करना, I को I से, J को K को K से, और A क्रॉस को क्रॉस में, सॉल्व कर लेना। अब इस वाले क्वेश्चन में आओ, कह रहा है कि A दिया हुआ है और B दिया हुआ है, और कह रहा है क्वेश्चन में A पैरेलल है B के और निकालना है P और Q, A पैरेलल है B के तो क्या होगा, तो याद रखना जब भी पैरेलल कहे या कह दे क्वेश्चन में कोलिनियर है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि a लेमडा b के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब b में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको a मिल जाना चाहिए। तो चलो ठीक है, उस हिसाब से 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 5 लेमडा, p इक्वल्स हो जाएगा 7 लेमडा, और q इक्वल्स हो जाएगा 3 लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू यहां से 2/5, तो वैसे ही p आ गया मेरा 14/5 और q हो गया आपका 6/5, आंसर। अब यहां देखिए क्या कर रहा है कि b एक दिया हुआ है वैल्यू वेक्टर का, a एक वैल्यू दिया हुआ है वेक्टर का, आपको निकालना क्या है कि एक वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, b के, यानी उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल, मान लो एक वेक्टर x है तो x का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, b के मैग्नीट्यूड के बराबर यानी 5, ठीक है, और वो किसके पैरेलल हो, a के, यानी x जो वेक्टर होगा वो होगा x का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय c का कैप, तो x यानी 5 और c का कैप हो जाएगा i माइनस जे और इसका रूट टू। चलिए नोट कर जल्दी से इसको। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे,
इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी दिया हुआ है v3i plus 2j plus 3k, और इसका वेक्टर कंपोनेंट, ध्यान से सुनिए, वेक्टर कंपोनेंट निकालना है इस लाइन के टर्म्स में। तो मान लो अगर कोई ये वेलोसिटी v था, ठीक है, और ये मान लो कोई l है, किधर भी हो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है जरूरी है कि ये ऐसे एंगल रहा हो, ये ऐसे भी रहा हो, इसको अगर प्रोसीड करोगे तो भी तुमको एंगल मिल जाएगा कि हाँ मिल रहा है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है कि कौन किस डायरेक्शन में किधर है। तो मान लेते कि एंगल थीटा फॉर्म किया है, तो अगर हमसे स्केलर कंपोनेंट पूछता तो डायरेक्ट हम बता सकते थे इधर कि वी कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है वेक्टर कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा आपका वी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड का लिखना है हमको, इसके डायरेक्शन में इसके मैग्नीट्यूड का वी कॉस थीटा का वेक्टर लिखना है, तो बस करना क्या है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के इसके मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी कहानी में बहुत लोचा है, क्योंकि हमको कॉस थीटा नहीं मालूम, वी का मैग्नीट्यूड तो मालूम कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, वी का मैग्नीट्यूड यहां पे लिख ही देते डायरेक्ट में जल्दी से, वी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 9 और 9 18 चार 22, और एल का मैग्नीट्यूड जल्दी से लिख देते हैं हम लोग, वो हो जाएगा रूट 3, ठीक है। तो चलो कॉस थीटा भी निकाल ही लेते ना, तो कॉस थीटा क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा क्या होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, 3 माइनस 2 प्लस 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है यानी रूट 66, तो 4 आ जाएगा, और डिवाइड बाय रूट 66, ये कॉस थीटा आ गया हमारा। तो वी कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, तो वी कॉस थीटा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो रूट 22 अंडर रूट 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय रूट 66 डिवाइड दीजिएगा, ये रूट 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजल्ट आ जाएगा 4 बाय रूट 3, और हमको निकालना क्या था, वी कॉस थीटा एल कैप, तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे इसको वी कॉस थीटा एल कैप, तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस जे प्लस के डिवाइड बाई रूट 3, तो रिजल्ट आ जाएगा आई माइनस जे प्लस के मल्टीप्लाइड बाई द 4 एंड डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें कह रहा है ए और बी एक इक्वल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी दिया हुआ है, नहीं मैग्नीट्यूड इक्वल ही है, कुछ भी नहीं इक्वल है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए और बी इक्वल है, ठीक है, चलो इसको ए मान लेते हैं। अब कह रहा है कि ए प्लस बी जो है वो एन टाइम है ए माइनस बी का, यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड वो एन टाइम है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, और हमको निकालना क्या है, एंगल निकालना है। चलिए इसका फॉर्मूला क्या था, तो स्क्वायर कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है आप लोगों को रिजल्टेंट का ही फॉर्मूला था ना अंडर रूट में, तो स्क्वायर कर दिए तो रूट हट गया, रिजल्ट यहां क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब जहां जहां ए है और जहां बी है वहां ए स्क्वायर रख देते हैं, तो मतलब ए रख देते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा, तो 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर cos थीटा। अब इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 2a स्क्वायर cos थीटा कॉमन हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा हमारा 1 प्लस n स्क्वायर। अब उसी तरह से इस तरफ करेंगे तो 2a स्क्वायर फिर कॉमन और रिजल्ट हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, तो रिजल्ट आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है m, ट्रेवल कर रहा है x डायरेक्शन के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल xy प्लेन में वेलोसिटी v से, वेलोसिटी v से, और जो पैरेलल डिस्टेंस है उसका x एक्सिस से वो कितना है b दिया हुआ है, देन आपको फाइंड आउट करना है उसका एंगुलर मोमेंटम, क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर मोमेंटम एंड इंस्टेंट
यानी एक टाइम टी पे। तो पहले बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, जिसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, यानी पी यानी एम भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास पी है क्या। तो इसके पास अगर मास के पास देखा जाए तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो अगर हम पी मोमेंटम की बात करें तो ये एम भी आई कैप बनेगा, क्लियर। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो इसके पास दो है, एक तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट है ही ओरिजिन से, इसको ओरिजिन माना गया था क्वेश्चन में, छूट गया हूं। ये यहां जिसका डिस्टेंस कितना है बी है, और इसने टी टाइम में इधर कुछ डिस्प्लेसमेंट वी टी तो ट्रेवल किया होगा, तो आर जो आएगा वो कितना हो जाएगा आपका वी टी आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। अब हमको एल निकालना है, तो एल क्या होता है आर क्रॉस पी, तो आर का वैल्यू रख दो, तो क्या था वी टी आई कैप प्लस बी जे मल्टीप्लाइड बाई एम भी आई। और हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट वाले में सेम का रिजल्ट जीरो होता है, यानी वीटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट जीरो, लेकिन इसको इससे करेंगे तो रिजल्ट आएगा। वो तो पहली बात, तो जो मैग्नीट्यूड तो ऊपर लिखो एम बी और बी, आएगा डायरेक्शन लिखना होगा, तो जे क्रॉस आई कर रहे हैं, तो जे क्रॉस आई यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी माइनस के रिजल्ट हो जाएगा माइनस के, नोट कर इसको, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, जो इक्वली इंक्लाइंड है आई के साथ, इसके साथ जो भी वेक्टर है और ये वेक्टर के साथ, क्लियर है, यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले इस वेक्टर को कुछ मान लेते हैं हम लोग, लेट ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, और ये चूंकि यूनिट वेक्टर है इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू वन होगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है एक्स, एक्स क्या है आई के साथ, इस वाले वेक्टर के साथ और इस वाले वेक्टर के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो मान लेते हैं इस वेक्टर को हम लोग ए, इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी, इक्वली इंक्लाइंड कहने का मतलब एंगल सेम है। तो रिजल्ट क्या होगा कि कॉस थीटा हो जाएगा एक्स डॉट ए बाई एक्स का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और एक्स डॉट बी एक्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई द बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स एक्स डॉट सी डिवाइडेड बाई एक्स का मैग्नीट्यूड विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी का मैग्नीट्यूड। और आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ए बी सी भी आपका यूनिट वेक्टर ही है, क्योंकि ए का वैल्यू तो मैंने वन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा आई ही है। इसमें अगर देखोगे तो इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड किया गया है, चार चार आठ और एक नौ, तीन आ गया रूट में, घरेंगे नॉट रूट नौ तो तीन आएगा, वैसे ये 16 और 9 25 यानी रूट इसका 5 आ गया। तो यानी ये दोनों भी यूनिट वेक्टर है। तो आप ये जो मैग्नीट्यूड ए बी सी हमारे फॉर्मूले में है उसको नहीं भी निकाल के रखेंगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 आना है, अगर 1 मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्लियर है, तो नहीं निकालेंगे उसको। तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले इसको इसके साथ डॉट पट करते हैं, तो आई को आई से करो तो ए हो जाएगा, यानी ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए इक्वल्स हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करो उसके साथ, तो आई को आई से जे को जे से और के को के से, तो कितना हो जाएगा माइनस टू ए प्लस बी जे, मतलब बी हो गया, ठीक है, प्लस टू सी डिवाइडेड बाई थ्री, क्योंकि थ्री भी तो उसके डिवाइड में, इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या होगा माइनस फोर ए माइनस थ्री बी डिवाइडेड बाई फाइव अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तीनों को इक्वेट कर लो, तीनों को इक्वेट कैसे करेंगे, इसको इससे इक्वेट करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, जब इसको इक्वेट करो दिए और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा थ्री ए इक्वल्स माइनस टू ए प्लस बी प्लस टू सी, यानी फाइव ए इक्वल्स आ जाएगा बी प्लस टू सी, इसको इक्वेशन एक मान लेते हैं, ठीक है, वैसे ही इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा वहां से माइनस टू ए प्लस बी अपॉन टू सी डिवाइड प्लस टू सी अपॉन थ्री इक्वल्स कितना आ जाएगा माइनस जे, खड़ा हो
सॉरी सॉरी वो जे था, तो ये सॉरी यहां बी होगा और यहां क्या होगा सी होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, ये माइनस फोर बी माइनस थ्री सी डिवाइडेड बाई फाइव, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस टेन ए प्लस फाइव बी प्लस टू सी, टू सी नहीं है टेन सी, प्लस टेन सी इक्वल्स कितना हो जाएगा माइनस ट्वेल्व बी माइनस नाइन सी। अब देखो 5a का वैल्यू है b प्लस टू सी, यहां 10a है, तो अगर हम इसका वैल्यू यहां रखें तो कितना हो जाएगा माइनस टू इंटू ये पूरा टू इंटू फाइव से माइनस टू इंटू फाइव ले सकते हैं ना, तो माइनस टू में इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो डायरेक्ट क्यों ना कर लें इसको माइनस टू बी प्लस फोर सी प्लस फाइव बी प्लस टेन सी इक्वल हो जाएगा माइनस ट्वेल्व बी माइनस नाइन सी। तो अब जितने भी बी वाले टर्म है सबको इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा बारह, बारह और पांच सत्रह, सत्रह में से दो गया पंद्रह, यानी फिफ्टीन बी इक्वल्स ये हो जाएगा कितना, ये भी माइनस ही होगा, तो दस और नौ उन्नीस, उन्नीस और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस उन्नीस और प्लस चार माइनस पंद्रह, तो माइनस पंद्रह सी, तो बी से बी पंद्रह से पंद्रह कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा बी का वैल्यू माइनस सी। तो अब बी की जगह माइनस सी रख देते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा फाइव ए माइनस इक्वल्स माइनस सी प्लस टू सी, यानी फाइव ए इक्वल्स हो गया सी, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस फाइव ए। तो रिलेट तो हो ही गया हमारा, ठीक है ना, सी का भी ऐसे रिलेशन मिल गया, बी का भी ऐसे रिलेशन। अब इसको यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स क्या है हमारा भाई, ए को तो ए रखने तो कोई दिक्कत नहीं है, बी की जगह रख देते हैं हम लोग माइनस फाइव ए, तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर, सी की जगह फिर फाइव ए रख देंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर इक्वल्स वन, तो कितना हो जाएगा फिफ्टी वन ए स्क्वायर इक्वल्स वन, तो ए आ गया आपका प्लस माइनस वन बाई अंडर रूट फिफ्टी वन, तो दो वैल्यू है ना हमारे पास। तो अब हम यहां से बी निकालते हैं, तो बी कितना है माइनस फाइव ए, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस वन अपॉन रूट फिफ्टी वन, क्योंकि जब ये प्लस रखोगे तो ये माइनस आएगा, जब ये माइनस रखोगे तो ये प्लस आ जाएगा, और सी हो जाएगा फिर वैसे ही ये फाइव होगा फाइव बाई अंडर रूट फिफ्टी वन, ये तो प्लस माइनस ही आएगा। अब लिख दो आपका एक्स वेक्टर, तो एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा वन बाई रूट फिफ्टी वन माइनस फाइव, ये आई कैप के साथ, ये जे कैप के साथ, और ये के कैप के साथ, एक वेक्टर ये हो गया, सिर्फ पहला वाला से लिखे फिर दूसरे वाले के साथ लिख देते हैं माइनस वन अपॉन अंडर रूट फिफ्टी वन आई कैप, ठीक है, प्लस फाइव अपॉन अंडर रूट फिफ्टी वन जे कैप माइनस फाइव बाई अंडर रूट फिफ्टी वन के कैप, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वेक्टर से रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉब्लम देखें, अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, शुभ रात्रि, सब बखैर।